नमस्कार दोस्तों, मैं अमित तरफ सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पोल्ट्रन पे स्वागत है। और दोस्त, ये जो बी कॉम्प्लेक्स है इसका आज ही मतलब ख़त्म हो जाएगा। ये जो मेडिसिन है आज देने से ही पूरा 3 दिन मेरा हो गया। और यहाँ पे जो चीक्स आप देख पा रहे, ये 50% चीक्स मैं वहाँ से शिफ्टिंग करके लेके चलाया, कल लेके चलाया, क्योंकि गर्मी का टाइम में ज़्यादा दिन अगर एक सेट में अगर डबल फार्म का चीक्स आप पालोगे तो उसमें डिहाइड्रेशन होने का चांस रहता है। डिहाइड्रेशन मतलब मान के चलिए कि चीक्स थोड़ा सा इकट्ठा ज़्यादा होगा और वो थोड़ा सा भीग जाएगा, इस तरह से होता है। इस तरह से होने से रिजल्ट आपका नाक के बराबर होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चीक्स को यहाँ पे शिफ्टिंग कर दिया। और आप जो पर्दा है आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मेंटेन अभी चल रहा है, ऊपर का पूरा ही ओपन है। मतलब दिन में पूरा ही ओपन था, मतलब ऊपर नीचे पूरा ही ओपन था, लेकिन अभी जैसे कि शाम होने वाला है, अभी मेरा काम चल रहा है, तो मैंने नीचे वाला पर्दा को गिरा दिया और चीक्स किस तरह से फैल के फिर इंटेक कर रहा है आप देख सकते हो। और दोस्त, कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करूँगा कि फीडर आपको किस तरह से यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि फीडर जो है, मैं 2400 करके एक एक ब्रूडिंग पे फीडर दिया, मैंने 2 ब्रूडिंग किया और जैसे जैसे चिक्स बड़ा होते जाता है तो मैंने चिक्स को शिफ्टिंग करूँगा। वहाँ पे जो स्पेस आप देख पा रहे, ये जो मेरा बंदा इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ करूँगा। तो फीडर अगर आप ज़्यादा दीजिएगा तो उसमें क्या होता है, चिक्स का जो छोटा बड़ापन हो जाता है वो कम से कम होता है। तो इस तरह से चल रहे हैं, तो सोचा कि एक वीडियो बना के आप सभी के साथ शेयर करूँ जो चिक्स का एवरेज कंडीशन है आज 6 दिन में वो कैसा चल रहा है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई भी चिक्स भीगा भीगा नहीं है। भीगा चिक्स होने से आप इस तरह से पहचान पाओगे, आप चिक्स को देखोगे कि उसका पांग थोड़ा सा भीग जाता है। वो अगर ज़्यादा टाइम कोना में इकट्ठा होकर बैठेगा, उसको अगर शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा तो वो इस तरह से करता है। तो ऐसा चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ समाप्त करता हूँ ये वाला वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पोल्ट्री फार्म भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। धन्यवाद।